अस्सलाम वालेकुम। आज हम आलू के पकोड़े बना रहे हैं, जिसके लिए हमने बेसन लिया है 1 कप। बेसन को हमने छान लिया है। आलू लेंगे 3 से 4, या जितने मर्जी ले लें। इस तरह से आलूओं को छीलकर हमने लंबा लंबा काट लिया है, कतलों में बिल्कुल बारीक काटा है। आलू को काटकर हमने पानी में रख देना है, ताकि आलू जो है ये काले ना हो। थोड़ा सा नमक भी अंदर डाल दें। आलू के पकौड़े बनाने के लिए हमें इन मसालों की ज़रूरत है। नमक लेंगे 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून कर लें, ये आपकी मर्जी है, नमक टू टेस्ट। काली मिर्च लेंगे 1/2 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च लेंगे 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून, साबुत जीरा 1/2 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून। अब हमने पकौड़ों का बैटर तैयार करना है। सबसे पहले हमने नमक डाल देना है 1 टीस्पून, या थोड़ा सा ज़्यादा ले लें। काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून, साबुत जीरा 1/2 टीस्पून, कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून, बेकिंग सोडा लेंगे 1/4 टीस्पून, हल्दी लेंगे 1/4 टीस्पून। अब हमने पानी डालना है, 1/2 कप पानी डालें। तो थोड़ा सा थिक बैटर तैयार करना है, पहले आप 1/2 कप डालें, फिर जितनी ज़रूरत हो थोड़ा थोड़ा और करके आपने थोड़ा सा गाढ़ा जो है ये बैटर तैयार कर लेना है। अच्छी तरह से सारे बेसन को मिक्स कर दें, फिर आप चाहें तो इसको थोड़ा टेस्ट करके भी देख सकते हैं। नमक या मिर्च की आपको कोई कमी लगे तो थोड़ा बहुत और भी डाल सकते हैं। इस तरह से थिक बैटर होना चाहिए। अब हमने इसको 1/2 घंटे के लिए रख देना है, ताकि बेसन जो है ये अच्छी तरह से फूल जाए। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। आग को हमने मीडियम से थोड़ा सा तेज रखना है। आलूओं को हमने पेपर टॉवल लेकर इसके ऊपर रखते जाना है। आलूओं को हमने काट कर पानी में रखा था, अब हमने पेपर टॉवल से इनका पानी खुश्क करना है। सारे आलू हमने पेपर टॉवल के ऊपर रख देने हैं। अब हमने बैटर में डिप करना है। बैटर को हमने 1/2 घंटे के लिए रख दिया था और हमने इनको फ्राई कर लेना है। हल्का हल्का बैटर लगाएंगे आलूओं पे, पतला है। आलूओं से पानी जो है आप अच्छी तरह से कुछ कर लें पेपर टॉवल के साथ।
सारे आलूओं पर हमने इसी तरह से बेसन का बैटर लगा कर फ्राई कर लेना है। पकौड़ों को हमने फ्राई कर लिया है। अब हमने एक प्लेट में पेपर टॉवल बिछा कर इसके ऊपर पकौड़ों को निकालते जाना है। अब हमारे बहुत ही मज़ेदार आलू के पकौड़े तैयार हैं। हम आपको तोड़कर दिखाते हैं। अंदर से बिल्कुल गले हुए, ऊपर से क्रिस्पी हैं। बेहतरीन जायका है। आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप मेरे फेसबुक पर मैसेज करें या इस वीडियो पर कॉमेंट्स करें। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप दें। Thank you. Allah Hafiz.